आपका जो है वो खड़बड़ खड़बड़ करने लगा एकदम से, सर जो है मैं लड़ा लगा छत में, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ गाड़ी पलटे लगी, तो हम लोग 5 नंबर डिब्बे में रहें, बच गए जो है माने, तो जो है दरवाज़ा खोला जाए खुलबे ना करे, बाहर निकल के आए कोई तरीके से, तो उसके बाद देखा तो जो है पूरी गाड़ी से ध्वस्त रही एकदम से। हम 8 में थे और मेरे मम्मी पापा जो वो 5 में थे, तो उनके पास आ रहे थे और रास्ते में इतने अचानक झटका हुआ और हम गिर पड़े सर के बल, थोड़ा सा सर में हल्की सी चोट लगी और फिर मम्मी पापा के आपास आके देखे तो आगे देखा कि डिब्बा टूटा था मेरा और फिर हम लोग किसी तरह उतर के नीचे आए हैं। ज्यादा डैमेज S1, S2, S3 है, बस इतना ही सूचना मिला है, लेकिन अभी किसी का नाम फ्लैश नहीं हुआ है। एसी बोगी के बारे में नहीं, अभी इतना ही हुआ है कि S1, 2, 3 कुछ ज्यादा डैमेज है बस। तो जैसे हम अपने पिताजी के मोबाइल पे फोन किए तो वहाँ से 5 बार फोन को रिसीव नहीं किया गया, छठे में एक आदमी रिसीव किए फोन को, बोले कि ये जो व्यक्ति के जेब से हमने मोबाइल लिया है और इनका पोस्टमार्टम हो रही है। हमने पूछा कि भाई उनका हुलिया क्या था, वो बोले कि उनका कुर्ते पैजामा के हुलिया है, लेकिन उम्र तो बता रहे हैं बहुत काफी, जो कि मेरे पिताजी का उम्र 55 वर्ष की है और यह उम्र 32 से 40 के लगभग बता रहे हैं, तो इसमें जी सस्पिशन है। तीन बज के कुछ 5 मिनट थे, तो गाड़ी पहले तो रुकी थी, रुकने के बाद एक फिर स्पीड से भगी थी, स्पीड से भगने के बाद सो रहे थे हम, क्या मालूम किस तरह की आवाज खड़खड़ा, तो नीचे फिर एक्सीडेंट एकदम जैसा घाटी में नीचे गिर गए थे।